बहुत ही जबरदस्त असा पकौड़े समोसे खा के नहीं है वेट बधाए, असा देसी खा के वेट बधाए। जो नाश्ता है ना वो गांव में तगड़ा होता है। कोई चाहता है कि ये टेस्ट करना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसे अपनी माँ के हाथ का खिलाऊंगा और चेक कीजिएगा कि क्या लेवल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आतिफ गोंदल सिटी ऑफ लाइन से, और आप लोगों ने बताना है कि शेरों का शहर पाकिस्तान में कौन सा है, और हम हैं गांव में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि गांव में हमारा नाश्ता कैसा होता है। ये है जी माँ के हाथ का बना हुआ पराठा है। तो ये शक्कर है हमारे पास, और घर का बना हुआ देसी अचार है, और जी दही है, और उसमें शुगर है डाली हुई, घर का बना हुआ देसी दही, और मक्खन है हमारे पास। ये गांव में ऐसे ही नाश्ता होता है विलेज में, और ख़ास तौर पे माँ के हाथ के बने हुए पराठे की तो बात ही कुछ और है। चेक करें कैसे अंदर से भी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनकी माएँ हैं अल्लाह ताला उनको सलामत। तो चेक करते हैं पहले जी दही के साथ, इसको ट्राई करते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त जी, गांव में आते हैं तो मज़ा आ जाता है माँ के हाथ का पराठा खा के। और ये है मक्खन हमारे पास, मक्खन के साथ हम ट्राई करेंगे। मक्खन और शक्कर, मक्खन के ऊपर शक्कर लगा के ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है। वाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। मैं तो जब भी गांव आता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा होता है कि माँ के हाथ का पराठा खाना है। ग्रीन चिल्ली है, उसका अचार है घर का देसी, इसके साथ चेक करते हैं। मक्खन और ये शक्कर, वाह ज़बरदस्त। आज जी हमने लस्सी नहीं ली, लस्सी की जगह हम योगर्ट लिया। ये भी बड़ा मज़े का होता है घर का बना हुआ। आप लोगों ने बाजार से लेके बहुत खाया होगा, लेकिन घर के योगर्ट की बात ही कुछ और है। और हमारे पास चाय भी है, चाय पियेंगे बाद में। ये मक्खन है घर का बना हुआ फ्रेश मक्खन, उसके साथ शक्कर, और ये योगर्ट, और ये मक्खन सब ऑर्गेनिक है। ये जैगरी है, ये भी घर का बना हुआ है। मेरे भाई फार्मर हैं तो वो खुद बनवाते हैं वहाँ पे डेरे पे, तो ये घर का बना हुआ है। ये मेरी अम्मी ने ये अचार बनाया ग्रीन चिली और मैंगो का। और जी मैं बाहर भी रह के आया हूँ, और पाकिस्तान में भी बहुत जगह से नाश्ता किया है, 5-स्टार होटलों से भी किया है, लेकिन जो माँ के हाथ का टेस्ट है ना वो अलग ही कोई उसका लेवल है। और मेरी अम्मी जो है वो पराठे बनाती हैं, ये तो सादा पराठा है, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो आलू वाला मूली वाला ये पराठे बनाती हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और उनका कोई जवाब नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है, और जिसने भी मेरी माँ के हाथ का पराठा खाया है वो तो तारीफ़ें ही करता रह जाता है। माँ के हाथ का टेस्ट और ही होता है। अल्लाह ताला सब की माँ को सलामत रखे, मैं यही बार बार कहूँगा। कोई चाहता है कि ये टेस्ट करना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है, मैं उसे अपनी माँ के हाथ का खिलाऊंगा और चेक कीजिएगा कि क्या लेवल है। आपने ये वीडियो छोड़ के नहीं जाना, मैं नाश्ते के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारे अबू ने घर में क्या क्या लगाया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कितना मैं मक्खन खा गया हूँ इसके साथ, क्योंकि ये होता ही मज़े का है। आप बेशक सारा दिन कुछ ना खाएं, लेकिन जो नाश्ता है ना वो गाँव में तगड़ा होता है जी। गांव में आप बेशक शाम का खाना ना खाएं, लेकिन ये जो नाश्ता है ना ये स्किप करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और ना ही कभी किया है हमने। जो देसी लोग हैं ना हम ये ज़रूर खाते हैं। पता ही है आप लोगों को, अगर आप गांव से हैं तो आप समझ ही सकते हैं इस बात को। असल में आज लाइट नहीं है तो इसलिए मैं वीडियो तो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और पसीने से कुछ और ही हाल हुआ हुआ है अपना जी। तो ऑलमोस्ट मैंने अपना पराठा फिनिश कर लिया है, आप पियेंगे चाय इसके बाद। असा पकौड़े समोसे खा के नहीं है वेट बधाए, ऐसा है देसी खा के वेट बधाए जी। अब तो हम पियेंगे चाय, एंजॉय करेंगे
नाश्ता वगैरह कर लिया है, चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई है और मेरी बीवी भी इधर ही बैठी हुई है। बीवी के हाथ का टेस्ट भी अच्छा है, बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे जी। ये चेक करें, अब्बा ने पपाया लगाए हुए हैं यहाँ पे, चेक करें अब्बा ने क्या क्या हमारे अब्बा ने लगाया हुआ है यहाँ पे।